Hey guys, this is my childhood story through my dad. Come on, let's go. सन 2000 की बात ये पुरानी है, तुरल सिविल होस्ट पीटर की कहानी है, जहां जन्मा एक बच्चा रोने के संग, देख के उसे बच्चे को रह गए सारे दंग। अब क्या बताऊं, ये मेरी ही कहानी है, तुम सबको सुनानी मेरे पापा की जुबानी है। पापा मेरे बोले पकड़ के अपने कान, जिस दिन तू जन्मा था आया तेज तूफान। उस अंधेरी रात में रात वही काटी थी, तेरे आने की खुशी में मिठाई मैंने बांटी थी। तुझे पहली बार देखा तो दिल तुझ में खोया था, फिर पता नहीं मुझको देख के क्यों तू रोया था। शायद पता नहीं तुझको अपनी क्या कहानी थी, अरे कोई तो बताता कि मैं तेरा पापा और तू मेरी जिंदगानी थी। दिन में मुझे रहता हमेशा एक काम, कि रखूं क्या तेरा अब प्यारा सा नाम। फिर एक दिन मैंने घड़ी की सुनी टिक टिक, फिर दौड़ा मेरा दिमाग, नाम रखा तेरा ऋतिक। फिर आया वो दिन जब तू हुआ एक साल का, काटा तेरा केक पूजन किया महाकाल का। उस दिन तुझे देख दिल खुश मेरा हो गया, तुझे लगी थी नींद गोदी में आके मेरी सो गया। फिर एक दिन तेरी माँ ने दरवाजा खोला था, तब मुझे देख के तूने प्यार से पापा बोला था। फिर सुन के पापा मेरे दिल को सुकून आया था, दिल हुआ मेरा खुश पापा कह के तूने बुलाया था। आज मेरा बेटा 5 साल का हो गया, उठा के तुझे कंधे पे वहीं पे तू सो गया। हर शाम तुझे बाहर ले जाता था, पकड़ के तेरी उंगली तुझे चलना सिखाता था। अब आया वो दिन जब तू 15 का हो गया, तूने कहा देखो पापा तुम्हारे कंधे जितना हो गया। मैंने कहा सुन बेटा तू मेरे से भी ऊपर जाएगा, रहेगा मेरे लिए बच्चा पर हाइट में बढ़ता जाएगा। करके मैंने तू 10वीं में अब हो गया, बोल किया तूने पास खुश दिल मेरा हो गया। एक दिन तूने मुझसे कसमें खिलवाई थी, अगर हो गया मैं पास तो साइकिल मुझे चाहिए थी। 2020 की बात अब आ गई, साइकिल तूने छोड़ी तेरी फोन की डिमांड आ गई। हो गया मैं बड़ा, ठोकरें मैंने खाई थी, शायद इन्हीं ठोकरों से होश मुझे आई थी। अब पूरा दिन मैं फोन में लगा रहता था, पबजी खेल के मेरा ब्रेन फ्री रहता था। अब मेरे पंगे सबसे हो जाते थे, बन के दीवार पापा सामने आ जाते थे। पापा ने कहा दूरी रखना जरूरी है, अगर फिर भी बोला तो सपोर्ट मेरी पूरी है। डर के मत रहना और जुल्म मत सहना, तू शेर का बच्चा है बस शेर के जैसे रहना। ये मेरे बचपन से अभी तक की कहानी है, थोड़ा मैंने बोला बाकी पापा की जुबानी है। रब करे साथ जन्म यही पापा हो, जिन्हें गुस्सा कम और प्यार के साथ दरबरे हो। मेरे पापा मैंने आपसे दो बातें कहनी है, ये जो लिखी कहानी उम्र भर तक रहनी है। ये मेरे पापा और मेरी कहानी है, करना इसे शेयर आगे तक ये पहुंचानी है। आज मेरे पापा मेरी सपोर्ट में रहते हैं, शायद ही ऐसे हीरो किसी की लाइफ में होते हैं। अंत में एक बात तुम सबको बतानी है, कभी होना मत गुस्सा क्योंकि पापा दिल के जानी है। इस बचपन में काश खो गए होते हम, मेरे पापा आपके लिए प्यार होगा नहीं कम। इफ यू लव योर डैड सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।